हेलो, फिर से आपका अगेन स्वागत है हमारे अपने चैनल मेडी न्यूज में। भाई अभय पटेल, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऐप्स की जो चाइना के हैं और इंडिया ने उन्हें बंद कर दिया है। हम आपको बताएंगे यहाँ पे, हम आपको ये नहीं बताएंगे क्या रीजन बिहाइंड इट वॉट एवर, हम आपको ये बताने वाले हैं यहाँ पे कौन सी हमारे यहाँ पॉलिसी ऐसी है, कौन सी हमारे यहाँ धाराएं ऐसी है, किस रूल के तहत जो चाइनीज ऐप है वो बंद किए गए हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। तो मेरी न्यूज़ में हम वही सारी चीज़ें आप बताएंगे जो मेरी पढ़ाई से कोरिलेट करती हैं और बच्चों को सीखने को मिले कि हमारे यहाँ कौन सी चीज़ें किस रूल, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक पॉलिटी में जो कंसिडर किया था वो किस चीज़ के इनसाइट आता है। तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे कौन सी न्यूज़ किस रूल से कोरिलेट करती है हमारा न्यूज़ का, यही पर्पज़ है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज हम बात करते हैं कि सरकार ने 59 ऐप किए बैन, लिस्ट में टिकटॉक, यूसी वाइजर्स समेत कई चाइनीज ऐप हैं शामिल। ये चीज पहले ही सरकार कर चुकी है, अभी कुछ नई चीजें की हैं सरकार ने, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। बट इसमें कुछ ऐसे ऐप हैं जो बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गए थे लोगों को, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे, तो सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। सरकार ने सभी जितने भी 59 ऐप हैं उसमें से बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ इंडिया के सर्वर को लॉस हो रहा था। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और कैम स्कैनर, शेयर एट, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए भारत का ये फैसला, चाइनीज़ जितने ऐप हैं वो बंद किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे 20 सोल्जर्स को मारा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कोरिलेट जरूर करती हैं, तो ये चीज़ ज़रूर जान लें बच्चों। अब फिर हम आपको ये ज़रूर बताएंगे ये कहाँ से चीज़ें कोरिलेट करती हैं, कौन सी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आती हैं, आईटी के कौन से रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने देश में 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, ठीक है, जो कि पहले किया जा चुका है। इस लिस्ट में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत कई चाइनीज ऐप शामिल हैं। कहा गया है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। प्रतिबंधित किए गए ऐप की लिस्ट इस तरह है, जिसमें आप देख सकते हैं टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, शेयर एट, लाइकी, हेलो ऐप, ऐसे ढेर सारे 59 ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हमारी इंडियन प्राइवेसी कोई इंफॉर्मेशन दूसरे देश को पहुँचाते थे। ये आईटी रूल्स रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको हटाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी मंत्रालय ने बयान में कहा कि विभिन्न सूत्रों से कई शिकायतें और रिपोर्ट मिली कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन ऐप्स के माध्यम से यूजर्स का डेटा चुरा कर अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर लोकेशन में भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये समझ में आई है आईटी टेक्नोलॉजी मंत्रालय को कि जो यहाँ का डेटा है वो भारत का जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक की जा रही है। तो इस वजह से 59 ऐप ऑलरेडी बैन किए जा चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम आगे की इन्फॉर्मेशन को। भारतीय यूजर्स के हितों की रक्षा होगी, आईटी मंत्रालय के हिसाब से वो ये सोचती है कि भारतीय यूजर्स जितने होंगे उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहेगी। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं आईटी मंत्रालय ने क्या कहा है। मंत्रालय ने आईटी एक्ट रूल्स एंड के सेक्शन 69A के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 59 ऐसे ऐप को बैन करने का फैसला लिया है जो ऐसी गतिविधि में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल व इंटरनेट यूजर्स की रक्षा भी करेगा। वो रक्षा कैसे करेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ बच्चों। वो रक्षा ऐसे करेगा कि अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो वो चीज़ दूसरा कोई नहीं पता कर पाएगा। कि बहुत सारी चीज़ें ऐप में ऐसी होती हैं कि उससे अगर आप एक क्लिक करते ही सारी इन्फॉर्मेशन दूसरा कोई पता कर सकता है। तो भारतीय यूजर्स के हितों की रक्षा हुई है और आईटी मंत्रालय ने ये ठोस कदम उठाते हुए फैसला लिया है। और आपको सीखने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे ये है बच्चों, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं कि 69A, आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्रालय जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है, ठीक है, उसमें जो आईटी एक्ट रूल्स के सेक्शन 69A के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, यानी 69, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके तहत क्या होता है, अगर आपकी कोई अखंडता, संप्रभुता, किसी देश की भारतीय रक्षा में दिक्कत आती है तो उसकी हितों के लिए उसको हटा सकता है। तो बहुत सारे चाइनीज ऐप ऐसे हैं जो आप लोग यूज़ भी करते हैं, और जैसे टिकटॉक इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत ज़्यादा फैशन में। आप देख सकते हैं कि यूसी ब्राउजर जो क्लीन करने का था, कैम स्कैनर, टिकटॉक,
ठीक है, वीगो लाइव, क्लब फैक्ट्री, हेलो, ये सारे ऐप जो ऐसे हैं ये हमेशा आपके मोबाइल में रहते थे और ये इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री को भेजते थे, ऐसा मानना है आईटी मंत्रालय का। तो शायद बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो बच्चों की पढ़ाई से लेके और कहीं ना कहीं बड़ों को भी प्रभावित करते थे। जैसे हम आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है कि वो छोटे बच्चे से और बड़ों तक सबको प्रभावित करता है। छोटे बच्चे जो है पढ़ने की बजाय अपना टिकटॉक में लगे रहते हैं, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है, ना कि आईटी मंत्रालय को बल्कि हमारे गार्जियन को भी, कि हम बच्चों को जो इनिशियल एजुकेशन होती है उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, बट आउटडोर का, इनडोर के इस तरह के मनोरंजन से बच्चों का कहीं ना कहीं माइंड जो है वो डेविएट होता है। तो इसी की सुरक्षा और माइंड छोटे बच्चों का डेविएट होता है, बड़े लोग जब यूज़ करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक होती है। इसी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय मंत्रालय ने जो आईटी एक्ट है उसके तहत इन सारे ऐप को हटाने का प्रावधान जारी किया है। ये आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये सारे ऐप बैन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऐप जो है बैन कर दिए गए हैं। बैन करने का सबसे बढ़िया और सही तरीका ये भी था कि कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को टॉर्चर किया जा रहा था। इतनी बातचीत होने के बाद, मेजर लेवल कर्नल लेवल की बातचीत होने के बाद भी कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाए गए हैं ये, और जो कि भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये सारे के सारे स्टेप, कि अगर हमारे घर में कोई आता है और हमारे घर की सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा घर अंदर से खोखला होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो समाज को ख़राब कर रहा था उसमें था टिकटॉक, वीगो लाइव, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रचलन था, हमारा जो एंशिएंट प्रचलन था उसको ख़राब करने में लगा हुआ था। ये सारी जानकारी कुछ ऐसी है कि आपको जानना ज़रूरी है। फिर मेरी न्यूज़ में आपको वो सारी चीज़ें बता दें जो मेरी पढ़ाई से रिलेट करती है, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको सिर्फ बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश अगर कोई स्टेप ले रहा है तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ले रहा है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग ले रहा है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ले रहा है, किस आईपीसी या सीआरपीसी धारा के अकॉर्डिंग ले रहा है। ये हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हमें किसी तरीके से समझने में कोई दिक्कत ना आए, ताकि कोई पूछ दे या भाई क्यों हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सर ये 69 जो आईटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, या सर ये आईपीसी धारा 364 362 या व्हाटएवर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी रिसेंटली कि चीन को फिर से डिजिटल पर झटका दिया है भारत ने। वो झटका क्या दिया है, भारत ने फिर से 45 ऐप बैन कर दिए हैं। उनमें से कुछ ऐप ऐसे भी हैं जैसे अलीबाबा को हर कोई जानता है, चाइनीज का सबसे बड़ी ब्रांड, पबजी समेत 250 किए जा रहे हैं स्कैन, ठीक है बच्चों। इसमें से आप देख सकते हैं 47 ऐप, कुछ ऐसे 47 ऐप्स हैं जिसमें से उनको बैन किया गया है। फिर से चाइना को डिजिटल मार्केटिंग पे भारत ने बहुत बड़ा झटका दिया है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये चीज़ देखने वाली है और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो हमारे देश को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। स्टार्ट कर दिया था उसने पहले, पर भड़ा गया, आप समझ पाए, बट कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को आता, उसे भूला नहीं कहते, अपने ही कहते हैं, तो ठीक है। हमारा देश, हमें अपने देश के साथ हमेशा लगे रहना और कभी नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ाई करके चीज़ों को समझ के कौन सा आर्टिकल कहाँ से कोरिलेट करता है, कौन सी चीज़ें कहाँ से कोरिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं कि चीन को फिर से भारत ने डिजिटल मार्केटिंग झटका दिया है और ऐप कितने बैन किए हैं, 47 ऐप बैन कर चुका है, ठीक है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे बताते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे इंडिया टुडे के हवाले से। इन ऐप की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ये ऐप यूजर की प्राइवेसी या राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। भारत ने जिन एप्लीकेशन की लिस्ट तैयार की है और जो सरकार की जांच के दायरे में है उनमें अलीबाबा, शाओमी और अन्य कई ऐप शामिल हैं। भारत का यह कदम देश में चीन चीनी एप्लीकेशन जिनका रिव्यू किया जा रहा है, कथित रूप से चाइनीज़ ऐप बैन किए गए हैं।
कर ली है, बस नोटिस जारी करना बचा हुआ है। ठीक है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारी पार्टी से हरण कर रही है। तो मेरी पढ़ाई जो नोटिस है वो चली जा रही है, जब जैसे ही कोई नोटिस आती है अच्छी पढ़ाई अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर देखते रहें। और अभी आपको इससे और जितना भी इंस्टॉल होने वाले चीज़ें आ जाएंगे तो चैनल पर बने रहें और चैनल को